तो नकली दवाओं के इस खेल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। नकली दवा बन रही थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उन दवाओं का रिश्ता हरियाणा की एक डेयरी से भी है। देखिए हमारी ये विशेष पड़ताल। जगह अंबाला का धुड़कला गांव, राज्य हरियाणा। यह है वर्धमान डेयरी। नाम में डेयरी, लेकिन यहाँ दूध दही नहीं मिलता, तो आखिर यहाँ बनता क्या है? हरियाणा ड्रग कंट्रोलर की टीम ने इस डेयरी पर छापा मारा, तुमकी आंखें हैरत से खुली रह गई। दूध दही का तो ठिकाना नहीं, लेकिन पशुओं के चारे में छिपा कर रखा गया केमिकल का भंडार जरूर मिला। जांच बढ़ी तो सच सामने आ गया। हिमाचल में चल रही नकली दवा की फैक्ट्री का कच्चा माल इसी डेयरी से भिजवाया जाता था, यानी नकली दवाएं बनाने के माल का यहाँ गोदाम था। इसी केमिकल से बच्चों, बड़ों और पशुओं की नकली दवाएं बनाई जाती थी। तूड़ी वगैरह के जो भैंसों वगैरह का कुछ चारा होता है, उनके कमरों के अंदर उन्होंने कुछ मेडिसिन के कट्टे बैग्स मिले उनको, और कुछ लेबल्स मिले हैं, खाली लेबल्स मिले हैं, और उन्होंने वो लेबल सारे कब्जे में ले लिए हैं, और साथ में मेडिसिन कब्जे में ले लिए हैं। वो मेडिसिन, मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो वेटरनरी यूज की हैं, और उन पे गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है। हाइवन 7 की टीम जब नकली दवा की इस डेयरी में पहुंची, तो यहाँ मौजूद शख्स ने माना कि डेयरी के मालिक जैन दंपत्ति हैं, और यहाँ ड्रग कंट्रोलर विभाग ने छापा मारा था। डेयरी के बोर्ड पर लिखे थे जैन दंपत्ति के नंबर। हमने दोनों नंबर मिलाए, दोनों ही स्विच ऑफ थे, यानी मोबाइल बंद थे, क्योंकि दोनों ही पुलिस से बचने के लिए फरार हैं। गाँव वालों का कहना है कि वर्धमान डेयरी 2009 में शुरू की गई थी, उसी साल जब जैन दंपत्ति का दवा बनाने का लाइसेंस खत्म हुआ था। तो क्या ये महज इत्तेफाक था, या फिर नकली दवा बनाने का कारोबार बढ़ाने का दाम? क्योंकि रंगदंग पहले शुरू से ऐसे ही लगे थे जी, काफी लोगों के साथ झगड़ा पकड़ा कराया अपने, वहाँ थाने में जोर जबरी दिखाई, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इतना करके खादा फ्रॉड सा दिखाया शुरू शुरू में। तो इसमें क्यों ऐसा क्यों पता नहीं जी, कोई अपने वैसे लोगों पर रोक डालने के लिए, आरोप बनाने के लिए। बहरहाल नकली दवा बनाने के आरोपों से घिरे इस दंपत्ति की तलाश जारी है, लेकिन क्या एक फैक्ट्री पर छापा डालने मात्र से नकली दवा के काले कारोबार पर हिमाचल में लगाम लग पाएगी? राज्य सरकार का भी मानना है कि जब तक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस हाथ न मिलाएं, तब तक इसकी तह तक पहुंचना मुश्किल है। हमारी कड़ी नजर के ऊपर है, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाएगा, we will not only cancel his license, we will see that danger comes to stop. In that we want cooperation of Haryana, Punjab and Chandigarh police. इस बोर्ड पर लिखी जानकारी पर मत जाइएगा। इस दूध की डायरी में दूध के नाम पर पिछले कई सालों से नकली दवाइयां बनाने का काला कारोबार चल रहा था। ना सिर्फ नकली दवाइयां बनाई जाती थी, बल्कि केंद्र समेत यूपी जैसे कई राज्यों को सप्लाई भी की जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये गोरख धंधा कई सालों से बदस्तूर चल रहा था, और किसी को भी इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। कैमरामैन चंद कुलानिया के साथ अमित चौधरी, अंबाला, आईबीएन 7। तो भारत में नकली दवा के खिलाफ हाल के सालों में काफी कड़ा कानून बना भी है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स नकली दवा बेचता पाया जाता है, तो दोषी साबित होने पर उसे कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी। यही नहीं, अगर मामला गंभीर हुआ तो उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 लाख का जुर्माना भी है। इसके अलावा कई मामलों में यह अपराध गैर जमानती भी है।